नमस्कार दोस्तों। तो आज जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से बनाया जाता है दुनिया भर में, जहां प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे को या तो कोई उपहार देते हैं जैसे फ्लावर्स, बुके, ऐसी चीज़ें, वहीं हमारे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, चाहे आप किसी भी नाम से पुकारते हों, जो मौजूदा सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि बीजेपी और एनडीए से आते हैं, वो आज हमारे किसानों पे एक तरह से बैरिकेड्स लगा रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरह जो अपना प्रोटेस्ट है, जिसको वो एक शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में जाके करना चाहते हैं, और जहां पर वो ही अपनी वो मांगे आज फिर से मांग रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछली बार जब उन्होंने ये किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों के आगे वो 3 कानून वापस ले लिए थे, पर वहीं दूसरी जगह वो आज तक उन्होंने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। हालांकि उन्होंने एक तरफ प्रॉमिस किए थे कि वो MSP पे बात करेंगे, पर पिछले हफ्ते से एक बार किसानों ने फिर दिल्ली की तरफ जाने का सोचा, ताकि वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से ये अपने हक दिल्ली सरकार से या मोदी सरकार से वो एक बार फिर मांग लें। तो वहीं पर मोदी सरकार क्या कर रही है, उनसे बात करने की बजाय फिर उनके रास्तों पे रोड़े अटका रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूज डेडलाइन देख रहे हैं सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं नीरज बाली। इस वेले अभी मौजूद है शंभू बॉर्डर से, और साढ़े नाल इस वे गल करन वास्ते मौजूद ने कुछ निहंग सिंह, जो कि इस वे दिल्ली कूच वास्ते तैयारी के लिए आए हुए ने। हमारे साथ दिल्ली क्या कर रही है, पहल कर रही है, बड़े चेहरे मिन्नत कर रहे हैं, रुक जाओ नहीं रुकन डे, जे साड़ी वारी आ गई तो ना उन पे पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है, और ड्रोन से भी उन पे आंसू गैस के गोले दाग रही है। और ये देखने से तो यही लगता है कि वो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, और वो एक तरह से LOC पे कोई वार चल रहा हो। तो यहाँ पर मेरे मित्र और जो कि न्यूज़ चैनल को कवर करते हैं नीरज बाली, उन्होंने कुछ विजुअल्स भेजे हैं मौके से, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ये बड़ा जोखिम वाला काम है, जहाँ पर मेन मीडिया स्ट्रीम तो आपको ये कवरेज भी नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि मेरे को जो मोदी समर्थक हैं जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे को मैसेज भी किया था कि अब किसानों की क्या मांगे हैं। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अंधभक्ति में जो मोदी के भक्त हैं कितने लीन हैं, कि उनको ये दिखाया ही नहीं जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, कि असल में वो किसानों की क्या मांगे थी, कहाँ पर बात ख़त्म हुई थी, और उस पर मोदी सरकार ने क्या एक्शन लेना था। तो ये एक बार आपके सामने स्क्रीन पर मैं फिर शेयर कर रहा हूँ कि जो मोदी सरकार अब किसानों पर अत्याचार कर रही है। तो ये करते हैं ना दृश्य विचलित, और ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचे कि जिनको ये नहीं पता कि किसानों की आखिर मांगे क्या हैं, और क्यों किसान फिर एक बार प्रोटेस्ट करने निकले हैं। और वहीं पर पूरे देशवासियों से भी मेरा अनुरोध है कि इन किसानों का बढ़ चढ़कर साथ दे, ताकि ये आवाज़ किसानों की मोदी सरकार तक पहुंचे, जो इनको नहीं सुनना चाहती। और वहीं मैं अपने सहयोगी नीरज बाली का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से ये वीडियो आप सभी तक फिर पहुंच रही हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कोई ये तस्वीरें नहीं भी दिखा रहा, तो आपको देश विदेश में आपको हर अपडेशन उस सिंगू बॉर्डर हो
चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो और जितने भी बॉर्डर भारत सरकार ने सील किए हैं, वो अब तक वहाँ से खबरें पहुँचती रहें। धन्यवाद।